हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। पहला मैं पूजा सामंत फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। और सहे सवेरे का टाइम चल रही है, ठंडी ठंडी हवा की शोड़ाहट आ रही है। और आज है गंगा स्नान और आज से स्टार्ट जनवरी का मेला। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो करते हैं आज से तो करते हैं अब घर का काम स्टार्ट धीरे 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 करके। भणकुन धूनछन गुरबच्छान को सब काम है क्यों, नाश्ता बनून छे जी हैं रिटर्न भरे में आगे बचे लिए पत्ते नहा तो मैं कर लेती हूँ घर। तो यहाँ पे हमारे गेहूँ हो गए थे ख़राब, इनको हम सहला के फिर डालेंगे खेतों में। तो आज हो गई हमारी गेहूँ बुआई स्टार्ट और अंकल बो रहे हैं गेहूँ। गेहूँ में लग गया था घुन, अब उसको ही वैसे ही सहला के वैसे छड़ दे रहे हैं। ये नहीं जमेगा तो अपने घर से ला कर देंगे अब हमको गेहूँ। रोटियां तो मेरी बन गई हैं, अब मैं आई हूँ सब्जी तोड़ने के लिए। अब मैं बनाऊंगी हरी सब्जी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा हरी सब्जी बनती है और हरी सब्जी खानी भी चाहिए। आजकल तो सीजन में मिल जाती है, बिना सीजन के बहुत मुश्किल आता है। सीजन में जो चीज़ जैसे अभी हरी सब्जी है तो उसको खाना चाहिए। तो मैं तोड़ूँ हरिया साग, फिर साफ करके मैं उसको धोती हूँ, फिर बनाऊँगी सब्जी। और गोबर गैस का गड्ढा करना है खाली, दोनों लग रखे हैं खाली करने पर, उसके बाद जाना वाका। बिना बुआरी के जाए हुए काम कहाँ होता है, नहीं तो कितने ताने मिलेंगे सुनने के लिए, आई नहीं हमने किया ऐसा वैसा। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं सब्जी अब। तो यहाँ पे को अभी डाले अध्याय वाले मेड़ और वहाँ पे को है मेरी अम्मा जो कर रही है काम। हाथों में लगा के आई हूँ गोबर वाली मेहंदी क्योंकि अभी तक मैं कर रही थी गोबर का काम। गोबर कैसा गड्ढा भर गया था उसको कर रहे थे खाली, अब दो हाथ फिर दो इन्होंने नाश्ता करना कर रहा है, नाश्ता करूँ। वो चले गया गंदा बाबू ना, अभी नहाई करी थी ना घर को। तो वो ट्रैक्टर से जो खुदाई करके चले गए होने को उन्हें खोदने, ये हमारे घर के भुतकारे लोग हैं। और ये है ये खुशी,
पागल वाली हरकतें, काजल देखो इसके गाल में तीन टिक्के। तो हो गई है शाम और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से आ गई नौ बीघा काटने के लिए घास, क्योंकि वहाँ खेत की हो रही है जुताई और मेरे घर में हो रहा बहुत दुनिया भर का घास। मेरी नाक मत काट देना घास काटने के चक्कर में। अब मैंने इसकी नाक काटनी है घास काटने के चक्कर में, पता नहीं क्यों आ रही है फेरीने के लिए। जब काम करने के दिन आएंगे तब कभी काम नहीं करेंगे। अभी तो पीछे पीछे ऐसे लग जाता ना, क्या बताऊँ, खोदने जाएंगे खोदने ही पहुँच जाएंगे। अब पकड़ो, बता रही हूँ मैं दराती कैसे पकड़ते करके। तो मैं जाके फटाफट से देखूँ जरा कद्दू जम रहे वाले घास मस्त है रे उभलने, तब है अब काटने का घास। तो ये कंपाइन से काटा हुआ था शायद, इसमें लगा दिया आग नलों में। और इधर लोगों के गेहूं भी बो दिए हैं, इनमें जम भी गए हैं छोटे छोटे ये। और हमारे खेत अभी पड़े हैं बांझे, इनमें के इन्हें जम रहे हो वो वहाँ है ट्रैक्टर। वहाँ पर बड़े वाले खेत की हो रही है जुताई, छोटा वाला खेत अभी वैसा ही है। ये तितरी आ रही है इधर, ये पंछी बनो उड़ दिखे हो मस्त गगन में। तो देखो ये कैसी दुकान है, ना दगड़ बैठी रह गई हूँ बकरी मेरी बागनी ने गयो। यहाँ पे को है मम्मी जो काटते हैं घास, पल्ली भटे मल्ली हो रहे हो। तो हो गया मेरा घास का गट्ठा तैयार, अब लगते हैं हम रास्ते घर को, क्योंकि ऊपर लग गए हैं बहुत ज़्यादा बादल और घर में कितना काम मेरा। तो रखूँ इसको सर में और चलूँ मैं घर को। एक ही हो रही है पागल, पता नहीं कौन सा वाला देवता आया इसके शरीर में, ऐसे नाच रही है ये। और वह हमारे गांव के घसियारी मामी लोग, बहुत घास काट दिया इन लोगों ने, ये थकते भी नहीं है ये घास काटते काटते। ये मैं नहीं तो कौन बे है, है मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे है, कौन ही घर मैं नहीं तो कौन मारा। घास से आने के बाद पी आया मैं चाय ले, क्योंकि चाय का मल भी ज़्यादा ही वका काम वाम करेगा, तो चाय पीना तो पक्का हुआ। और वो घसा रहे अभी तक, वो उधर घास ही काटने में है। और सवेरे हमने लोग यहाँ पे लेकर आया था जो गोबर का गड्ढा साहब वो है। तो ये हमारा गोबर का इसका गड्ढा यहाँ पर बना था, इसमें भर गया था गोबर और पानी भर गया, तो हम लोगों ने गोबर यहाँ पर खाली करा। और ये बो दिए गेहूँ, ये है बरसीम का खेत, इसमें लगाएंगे बरसीम। लो ओ उधर है वो कशारे, अभी तक नहीं जा रहे हैं घर। तो आज है कहा चंद्र ग्रहण 6 बजे से, और आज पूर्णिमा भी है, आज गंगा स्नान भी है, और हमारे यहाँ झिनकिया का मेला भी है। तो 6 बजे से 8 से 8:30 बजे तक चंद्र ग्रहण है, तो कहा उससे उसके बाद ही नहा धोकर खाना पीना बनाना है, उसके बाद ही खाना है। ये पुरानी मान्यताएं हैं जो मतलब आजकल तो उतना कोई मानता नहीं है, फिर भी मानने वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम लोग भी मानेंगे देखो क्या होता है। और छत में से उठाने मैंने कपड़े, तुम तो उठा के लाती फटाफट से कपड़े। तो अंधेरा अंधेरा भी होने लग गया आजकल, टाइम का पता भी नहीं चल रहा, जल अंधेरा जल्दी हो जाता है। एक तो ऊपर आसमान में लगे हैं बादल, तो उसके वजह से ज़्यादा ही अंधेरा टाइप का लगने लग गया है। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।